एवरीवन माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्वेंटी स्टार ऑन एंड पॉपुलेशन ये आपकी इकोलॉजी यूनिट का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है से पॉपुलेशन और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस इकोलॉजी यूनिट से आप, आपके नीट के पेपर में बहुत आते हैं बहुत पूछे जाते हैं तो हम लोग अब इकोलॉजी यूनिट के सारे चैप्टर ऐसे सा ही उठाएंगे और 20 20 क्वेश्चन एकदम चुनिंदा चुन के आपके लिए हम लेके आए हैं जो कि अगर आपने लगा लिए हैं तो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे तो बस ये क्वेश्चन जल्दी से छोटा सा वीडियो है पूरा देख लेना वीडियो पसंद आ जाए तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना ठीक है क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपके नीट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे तो भाई बिना चलो बिना किसी देरी के काम पे लग जाते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि देखो हमने स्टार्टिंग करी है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से ठीक है धीरे धीरे इन क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा पहला क्वेश्चन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है बहुत इजी क्वेश्चन बट बहुत पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को भी मिल जाएगा इसलिए हमने ये आपके लिए जरूर डाला है पहला ही क्वेश्चन आपके लिए जो है वो क्या है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इट इज इको इट इज नोन एज इको इसको हम लोग क्या बोलते हैं इको जो होता है ये फंक्शनल यूनिट पूरे इकोलॉजी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो छोटा पार्ट जो होता है उसको हम लोग फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं इको बोलते हैं इट इज नोन एज इको सिस्टम नाउ मूविंग ऑन

डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसको डायरनल बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरनल बोलते हैं और नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव एट नाइट जैसे नाइट में नाइट में देखो एन होता है वैसे ही नॉक्टर्नल में भी एन होता है ऐसे भी याद रख सकते हो ठीक है चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट करे द फोर्थ क्वेश्चन साइबेरियन क्रेम फ्रॉम साइबेरिया कम टू किडो नेशनल पार्क इन इंडिया दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कन्फर्म सीजनल मूवमेंट माइग्रेशन सस्पेंशन देखो भाई क्या था हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है रेगुलेशन पढ़ा है कन्फर्मेशन पढ़ा है मतलब कन्फर्मर्स पढ़े हैं फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर जो जो ड्रास्टिक कंडीशन हैं जो इतनी सुटेबल कंडीशन नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वो टेम्पररी पीरियड के लिए होती हैं तो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी दूसरे हैबिटेट की तरफ मूव कर जाता है टेम्परेरी किसी दूसरे ऐसे भी हैबिटेट में चला जाता है जैसे कि भाई बहुत गर्मी पड़ती है दिल्ली में तो कहां चले जाते हैं हम लोग शिमला चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए क्यों क्योंकि भाई शिमला में उस समय उतनी गर्मी हमें देखने को नहीं मिलेगी हमें अच्छा महसूस होगा है ना तो ऐसे भाई साइबेरियन क्रेन्स होती है साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है a very cold place. और वहां से ये इतनी दूर चल के आती है पार्क इंडिया तक आती हैं। हैं, तक क्योंकि इनको यहां पे उनके लिए मिलता है, और वो टेम्परली उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को खूब ठंडे को स्केप कर देती हैं। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं माइग्रेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइग्रेशन इट इज नोन एज माइग्रेशन ठीक है चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैरासाइट डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इट इंश्योर्स फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग इसका मतलब क्या हो गया कि फूड और शेल्टर दोनों मिलता है भाई जो भी पैरासाइट होता है चाहे वो फर फिर आपके सर में पड़ने वाली जुए हो फिर वो चाहे आपके पेट के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया हो क्या होता है उसको क्या मिलता है एक तो घर मिलता है रहने के लिए दूसरा उसको खाना तो आपसे मिलता ही मिलता है सो पैरासिटिक पैरासाइट्स और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इंश्योर्स बोथ फूडिंग एंड लॉजिंग ओके सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी करेक्ट ऑप्शन वुड बी भाई सी चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन कम्युनिटी इज कॉल्ड इट्स देखो यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी देखो दो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं अगर याद करो दो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं ना एक तो एक ग्रोथ मॉडल होता है है जो कि कि ये कहता है कि अगर अनलिमिटेड है देर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेस खूब रिसोर्सेस है रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है इनफाइनाइट रिसोर्सेस है तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी एक्सपोनशियली ग्रो करेगी जे शेप्ड कर्व मिलता है कैसा कर्व मिलता है जे शेप्ड कर्व मिलता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि किसी भी नेचर में किसी भी इन्वायरमेंट में एक किसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की एक लिमिट होती है कैपेसिटी होती है उसको नेचर की कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय के लेटर के कैपिटल के से हम लोग नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करते हैं ठीक है सो so वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सपोर्ट हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचर कैरिंग कैपेसिटी एंड योर आंसर वुड बी सी

देखो भाई हम यहाँ तुम लोगों के लिए लिख देते हैं ठीक है राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आएगी बट समझ जाना ठीक है भावनाओं को समझना ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स ऑब्लिगेटरी का मतलब पता है क्या होता है ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी याद रखना इसको कहीं पे भी ऑब्लिगेटरी लग जाए ना अब आगे से तो इस बात को ध्यान रखना कंपल्सरी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पैरासाइट्स हैं जो कि पैरासाइट के फॉर्म में ही रह सकते हैं उसके अलावा कोई भी फॉर्म में ये रह नहीं सकते दे आर ऑब्लिगेटरी दे आर कंपल्सरली पैरासाइट

और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरियाज एव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज देखो भाई ये एलन ने दिया था ये रूल जो दिया था ना ये रूल ने दिया था एलन ने कहा था कि भाई जो बहुत कोल्डर एरिया रहते हैं जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके एक्सट्रीमिटी मतलब समझ रहा हूँ जैसे कि कान ठीक है ना एक्सट्रीमिटीज मतलब जोज सर्फेस एरिया होता है उसकी बात हो रही है वो छोटे होते हैं उससे क्या होता है की सर्फेस एरिया कम हो जाता है सर्फेस एरिया कम हो जाता है तो हीट लॉस कम हो जाता है बिकॉज हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सर्फेस एरिया जितना ज्यादा सर्फेस एरिया होगा हीट लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा ठीक है तो हम क्या करते हैं कि सरफेस एरिया घटा देते हैं तो जो कोल्डर एरियाज होते हैं ना पोलर एरियाज होते हैं तो uh, मतलब जो बहुत कोल्डर एरियाज होते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो छोट होती है तो रिड्यूस द सर्फेस एरिया सो लेस इज द सर्फेस एरिया लेस इज द लॉस ऑफ हीट और उतनी ही वो अपने हीट में कंजर्व करके रखेंगे बॉडी में हीट उतनी ही कंजर्व करके रखेंगे और अपने आप को गर्म बनाए रहेंगे ठीक है सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए एलेंस लॉ नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं

जब सोइल की बात हो तो इडाफिक लगा देना बिना कुछ सोचे समझे क्यों इडाफिक फैक्टर्स का मतलब होता है ऑल द कैरेक्टर्स दे आर कंबाइंडली आपको उसको देख रहे हो ठीक है ना चाहे फिजिकल हो केमिकल हो टोपोग्राफिकल हो किसी भी तरीके का कैरेक्टर हो सब आ जाते हैं किसमें इडाफिक फैक्टर्स में सो द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इडाफिक फैक्टर्स ठीक है समझ में आ गई बात चलो भाई समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उसकी बायोटिक पोटेंशियलिटी होती है ठीक है ना लेकिन वो इस पूरी अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है नेचर का एक बार है नेचर की एक लिमिट है ठीक है ना तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो तो बायोटिक पोटेंशियलिटी कहलाती है बट देर इज दिस कैरिंग कैपेसिटी जो कि इज अनरिस्ट्रिक्टेड दिसरिंग कैपेसिटी कैपैसिटी होने के बाद भी किसी भी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड ग्रो करने नहीं देती है ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि भैया सब बोला जा रहा है ऊपर से है तो इसको हम मार्क भी कर देते हैं चलो तुम्हारे लिए आंसर इसका आंसर है क्या सी बायोटिक पोटेंशियलिटी द आंसर इज सी बायोटिक पोटेंशियलिटी चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवंथ क्वेश्चन देखो भाई बीस लगाने थे लगा आधे हैं जल्दी से दस और लगा लो बस हो गया मतलब ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि एक स्पीशीज है एलिफेंट है उसकी पॉपुलेशन की बात हो रही है और कह रहे हैं कि ये बढ़ गई है ये बहुत ज्यादा है हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की तो क्या होगा इससे क्या होगा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा म्यूचुअलिज्म होगा प्रीडेशन होगा भाई हाथी अपने आप को एक दूसरे को तो मार के खाने नहीं लगेंगे ठीक है ना क्या होगा दे विल कंप्लीट फॉर द सेम रिसोर्स सारे हाथी खाएंगे तो वही चीज ना सबके लिए रिसोर्स जो फूड है वो तो एक ही है ना एक ही चीज है ना तो अभी क्या होगा उनके बीच में होगा कंपटीशन किसके बीच में हाथियों के बीच में इतने सारे हाथी हैं उनके बीच में क्या होगा कंपटीशन और जब विद इन स्पीशीज कंपटीशन होगा तो क्या बोलेंगे उसको इंट्रा स्पेसिफिक बिकॉज़ इंट्रा मींस विद इन सो विद इन स्पीशीज होगा कंपटीशन किस चीज के लिए सेम रिसोर्स के लिए और इस तरीके के कंपटीशन को विद इन स्पीशीज वाले कंपटीशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक का क्या मतलब हो गया कि विदिन स्पीशीज नहीं दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन दैट इज अनदर काइंड ऑफ पे किसकी बात हो रही का एक पॉपुलेशन दैट इज एलिफेंट की पॉपुलेशन की बात हो रही है चलो भाई कोई बात नहीं पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आ जाओ पॉपुलेशन ग्रोथ इज बिकॉज देखो चार फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास चार फैक्टर होते हैं जल्दी से क्विकली रिवाइज करो एनसीआर में क्या क्या दिए थे एक होता है नेटिलिटी एक होता है इमिग्रेशन ये दोनों पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं हैंटिलिटी मतलब बर्थ रेट इमिग्रेशन मतलब कोई नंबर ऑफ इंडिजुअल जो पर्टिकुलर हैबिटेट में आ रहे हैं

वन वन लॉजिस्टिक ग्रोथ मोर लॉजिकल इस तरीके से अगर याद रखोगे ना तो याद रहेगा चलो भाई अब हम लोग मूव करते हैं की तरह, by, कहता क्या है? ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम चीजों के लिए सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही होंगी वेन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज दिल्ली इंफीरियर वन मतलब जो उस कॉम्पिटिशन में जो बिचारी

आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्टीन क्वेश्चन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री देखो वो याद है एज पिरामिड्स याद है तीन तरीके के एज पिरामिड्स होते हैं एक होता है एक्सपैंडिंग एक होता है स्टेबल और तीसरा क्या था डिक्लाइनिंग ठीक है ना तीनों को अगर याद करोगे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो expanding वाला होता था उसमें नीचे वाला बार सबसे बड़ा होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग फिर उसके वाला बार जो होता है ऊपर वाले जो दो बार होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव सॉरी वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग होते हैं और उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग होते हैं मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करते हैं इन सारे पिरामिड्स में हम लोग मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड दोनों ही इंक्लूड होते हैं तो उन तीनों उनको याद करो तो हम लोगों ने क्या देखा था जो एक्सपैंडिंग वाला था उसमें सबसे नीचे वाला जो था वो सबसे बड़ा बार था ठीक है ना विच मीन्स द नंबर ऑफ पीपल इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दे आर मोर वो ज्यादा है ठीक है ना तो सीधा सीधा आंसर इसका ए हो जाएगा कि भाई किसी देरी के करेक्ट आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे चलो भाई, इस ग्राफ को याद करो ये ग्राफ एनसीआर में दिया हुआ है और ये उन्हीं तीन लोगों की बात कर रहा है जिनकी अभी हम बात कर चुके हैं एक तो होते हैं क्या रेगुलेटर्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं एक होते हैं कन्फर्मर्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर और उसमें रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं और एक होते हैं पार्शल रेगुलेटर्स देखो भाई ध्यान से देखना यहाँ पे एक एक हम दिखा रहे हैं तुमको देखो ए वाला देखो ये ए वाला ए वाला ये देखो एक्सटर्नल लेवल दिया है एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या हो गया एक्सटर्नल एनवायरमेंट की और ये यह इंटरनल लेवल मतलब उस पर्टिकुलर स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म का इंटरनल लेवल ए वाले को देखो जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका इंटरनल लेवल भी बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है इसके इंटरनल लेवल जो है इसका जो इंटरनल एनवायरमेंट है बॉडी का वो किस पर डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल पर डिपेंड कर रहा है तो ये कन्फर्म कर रहा है मतलब इट इज जस्ट सिंपली कन्फर्मिंग इट इज नॉट एबल टू रेगुलेट ये अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है जबकि बी वाले को ध्यान से देखो यहाँ पे बी वाले को देखो कि कुछ भी हो जाए कितना गया, तो गया? रेगुलेटर हो गया सी वाला अगर ध्यान से देखो अगर यहाँ पे सी वाला ध्यान से देखो तो सी वाला क्या कर रहा है देखो सी वाला कुछ देर तक तो कंफर्म कर रहा है जब तक झेल पा रहा है जब तक एक्सटर्नल कंडीशन इतनी खराब नहीं हो जा रही है कि भाई हालत ही खराब हो जाए तब तक वो क्या कर रहा है अपने आप को कंफर्म कर रहा है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है बट एक लिमिट के ऊपर जब एक्सटर्नल लेवल बढ़ता ही जा रहा है चेंज होता ही जा रहा होता ही जा रहा है तो फिर ये भी रेगुलेट करने लगता है ये भी क्या करने लगता है? करने लगता लगता है है रेगुलेट इसी वजह से इसको पार्शियल रेगुलेटर भी बोला जाता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए नाइनटी ऑफ द एनिमल्स जो निन्यानवे एनिमल्स हैं वो कैसे ए है कंफर्मर्स है मतलब ये अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे ही इनकी इंटरनल वैल्यू डिपेंड करती है ठीक है जबकि बहुत कम ऐसे होते हैं जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं दे आर वार्म वार्म बोला था ना और अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को और ऑस्मो रेगुलेशन ये कर सकते हैं सी वाले क्वेश्चन भी हो गया समझ में आई थिंक आई गया होगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं देखो भाई इन्हीं की तो हम बात कर रहे थे आ गए उसी पे इन्हीं की तो हम बात कर रहे थे एज पिरामिड देखो ये है ए वाला ए वाले में देखो सबसे नीचे वाला बार जो है ए वाले में जो तो सबसे नीचे वाला बार जो है इसमें ये वाला बार जो है ये वाला बार जो है ये क्या है ये होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का ये जो ऊपर वाले दो बार हैं जो थोड़े डार्क डार्क दिख रहे हैं ये होते हैं क्या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के और जो ऊपर ये तीन वाले बार हैं जो लाइट कलर के दिख रहे हैं ये होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बूढ़े लोग ठीक है तो अभी देखो ये सबसे बड़ा है इसमें ये वाला बार सबसे बड़ा है मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं सबसे ज्यादा लोग हैं ऐसी पॉपुलेशन होती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जबकि बी में देखो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये क्या है बराबर है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल ठीक है ना ये बराबर है तो जब ये बराबर होता है ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल

ए हो गया देखो सी में दिया ए एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बी बेल शेप्ड पिरामिड ध्यान रखना इस पॉपुलेशन का बेल शेप्ड पिरामिड होता है बेल का मतलब समझते हो ना घंटा ठीक है तो ये देखो घंटे जैसा पिरामिड है ये बेल जैसा पिरामिड बना हुआ है बेल जैसी शेप है इसकी इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेल पिरामिड और सी दिस द डिक्लाइनिंग दैट इज पिरामिड शोइंग नेगेटिव ग्रोथ सो द सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस और इसी के साथ हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉपरेशन कैन बी रिप्रेजेंट देखो म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन जो होता है ये कैसा इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही स्पीशीज को फायदा मिलता है इसमें जबकि प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है प्रेडेशन में भी और पैरासिटिज्म में भी एक स्पीशीज को तो फायदा मिलता है इंटरेक्टिंग वाली को दूसरी वाली को नहीं मिलता है अगर देखो भैया वाला वीडियो देखना हो ना तो ये हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है ठीक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन को याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताई है हमने ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है 14 मिनट का वीडियो 14 टू तो 15 मिनट का वीडियो है जिसमें सारे इंटरक्शन भी बताए

इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चलो भाई आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द 19th क्वेश्चन एविडेंस शोज ग्रासेस बेनिफिट फ्रॉम बीइंग ग्रेज्ड अभी एविडेंस ऐसा हुआ है शो कर रहा है कि जो ग्रासेस हैं जब वो उनको ग्रेस करते हैं, animals, तो को फायदा हो रहा है be सबसे को, बहुत दिमाग से बनाते हैं लोग पहला सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया प्रिडेशन देव गिवन प्रशन क्योंकि तुम्हें उन्होंने एक बात ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं डाल दी है कि जैसे कोई सीड खाता है अगर कोई चिड़िया सीड खा रही है तो इट इज नो लेस देन प्रिडेशन ये एनसीआर की लाइन है कि भाई वो भी एक तरीके का प्रिडेशन ही है बट यहाँ पे देखो पहली लाइन से सब कुछ बदल जाता है कि एविडेंस शोस दैट सम ग्रासेस बेनिफिट फ्रॉम बीइंग ग्रेज़ अभी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है ग्रास को ग्रेज होने से तो यहाँ पे होगा क्या तुम्हें तो वो याद आएगा कि भाई सीड खाया तो वो प्रेडेशन भी था एक तरीके का तो सबसे पहला ऑप्शन भी प्रेडेशन दे दिया और तुम प्रेडेशन कर दोगे और यहीं पे हो जाओगे तुम क्या गलत क्योंकि यह क्या है म्यूचुअलिज्म है क्यों क्योंकि जो ग्रास है उसको ग्रेज होने से फायदा मिल रहा है और जो खा रहा है उसको तो फायदा मिल ही रहा तभी तो वो खा रहा है ठीक है ना सो इट इज म्यूचुअलिज्म करेक्ट आंसर इज म्यूचुअलिज्म चलो भाई इसी के साथ आ जाते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे हमने ट्वेंटी स्टार क्वेश्चन में से बीच क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ध्यान देना देखो भाई हमने चार फैक्टर्स की बात करी थी ना जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंटरैक्ट इफेक्ट करते हैं उन चार फैक्टर्स की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं देखो दो फैक्टर्स ए और बी कैसे है ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव साइन दिख रहा है यहाँ पे बी में भी पॉजिटिव साइन दिख रहा है ठीक है ना तो बी वाला भी फैक्टर क्या बढ़ा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहा है ए वाला भी बढ़ा रहा है तो बढ़ाते कौन थे याद करो बढ़ाते कौन थे एक तो था तुम्हारा बर्थ रेट, दूसरा था क्या इमिग्रेशन ठीक है तो ए और बी में इमिग्रेशन और रेट डाला जा सकता है देखो भाई किसी ऑप्शन में है ऐसा ना, अभी है बिल्कुल अभी देखते हैं लेकिन उससे पहले सी और डी भी देख लेते हैं क्या है सी और डी में देखो नेगेटिव साइन जिससे हमने क्या बताया था तो दो फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं कौन कौन से थे एक तो डेथ रेट था दूसरा क्या था इमिग्रेशन था ठीक है अब देख लो भाई ये चारों कहां फिट हो रहे हैं ये चारों ये केवल और केवल डी में फिट हो रहे हैं इमिग्रेशन डी नेटेलिटी सी मोडेलिटी डी इमिग्रेशन और इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है बिना किसी परेशानी के डी लगा दो और आगे बढ़ जाओ और इसी के साथ भाई हो गया आज का वीडियो समाप्त अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर कुछ सीखा हो अगर कुछ हेल्प मिली हो मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें क्योंकि आगे वीडियो आते रहेंगे फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब नाउ बायोलॉजिकल बायोलॉजी बाय शिवांश गौड़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय